कंचन खाना खजाना में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बची हुई दाल की परांठियां। तो चल परांठी बनाने के लिए ये देखिए, ये दाल जो है कल रात को हमने बनाई है, वेस्ट नहीं जाने देंगे। बची हुई दाल हमने फ्रिज में रख दी थी, अब सुबह मॉर्निंग में इसका आटा गूंद लेते हैं। देखिए आटा हम बहुत कम डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे, क्योंकि एक बाउल हमारे पास दाल है तो दाल में कितना गूंधता है आटा उतनी ही तरीके से बनाएंगे। और भी हमारे पास इंग्रेडिएंट है, काफ़ी छोटे छोटे चॉप किए हुए ये प्याज, एक चम्मच प्याज, आधी चम्मच हरी मिर्च, दो चम्मच कटा हुआ बारीक कटा हुआ है धनिया। धीरे धीरे मिक्स करते हुए दाल के साथ आटे को बहुत अच्छा डो, फाइन डो तैयार करेंगे हम। देखिए अगर आपको लगे कि दाल कम है तो आटा कम लें, और लगे कि दाल बहुत सही से है तो धीरे धीरे करके आटे में मिक्स करते जाएं। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गई है। देखिए अगर हमारे पास थोड़ा सा आटा नीचे बच गया है सूखा वाला, तो इसका घोल भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहें दो चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा नमक डालेंगे सबसे लास्ट में, और हल्का हाथ में घी ले लेते हैं ताकि आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाए। देखिए नमक भी डाला है मैंने दो चुटकी, और बिल्कुल हल्का घी लिया है। दाल का आटा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। देखिए लोग समझते हैं बची हुई दाल है, बासी दाल है, वेस्ट हो गई है, डस्टबिन में फेंक देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन से भरपूर दाल का आटा बनाएं और परांठे तैयार कर लें। देखिए दाल का आटा रेडी हो गया है, 5 मिनट हमने रेस्ट के लिए रखा था और डो हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए पेड़ा बनाते हुए जी सूखा आटा लगा लेते हैं। घी लगा लेते हैं, आप रिफाइंड लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो आपकी हेल्थ के लिए। मैंने देसी घी लगाया है। देखिए परांठा हमारा एकदम परफेक्ट। फिर से आटा लगा रही हूँ मैं सूखा वाला, मीडियम ही बेलेंगे। ये लीजिए तवे पे डाल देते हैं, तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसी तरह से बाकी के पराठे भी तैयार करते हैं। एक साइड से सिक गया है, चेंज कर लेते हैं। चलिए घी लगा लेते हैं। देखिए हमारे घर का अनाज भी वेस्ट नहीं हुआ, और इतने प्रोटीन से भरे स्वादिष्ट पराठे हमारे मॉर्निंग के तैयार हो गए। ये लीजिए प्रोटीन से भरे हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, पूरी फैमिली भी रेडी है। तो चलिए इतना हेल्दी और टेस्टी प्रोटीन से युक्त नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, आप भी बनाएं खाएं इतना टेस्टी नाश्ता। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।